पानीपत योजना के विरोध में हुई हिंसा को लेकर अहम खुलासा हुआ है। पंजाब में तैनात सेना का जवान यहां विरोध किया को हवा दे रहा था। उसने ही इंकलाब जिंदाबाद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लड़कों को भड़काया था। जवान ने ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजे जिसमें उसने कहा कि सरकारी संपत्ति में आग लगाओ तभी सरकार तुम्हारी सुनेगी, मैं फौज में होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जवान ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए भी कई आपत्तिजनक बातें कही और अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसे पछतावा हो रहा है। ये बातें उसने पुलिस की पूछताछ में कबूल की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजस्थान के करौली के मंडाई गांव निवासी लांस नायक गुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 2017 में वो सेना में भर्ती हुआ था, जहां जम्मू से 6 महीने पहले ही पंजाब के फाजिलका में ट्रांसफर होकर आया था। उसने बताया कि उसका भाई सुरेंद्र सेना भर्ती देख रहा था। सेना की खुली भर्ती में वो फिजिकल और मेडिकल में पास हो गया था, जहां अग्निपथ योजना आने से उसकी भर्ती रद्द हो गई। भाई का करियर चौपट होने से वो परेशान हो गया, जिसने इंकलाब जिंदाबाद ग्रुप के जरिए युवाओं को भड़काया। आपको बता दें कि मालपुरा में हुए उपद्रव में पकड़े गए आरोपी अभिषेक के मोबाइल में पुलिस को इंकलाब जिंदाबाद ग्रुप मिला था। इस ग्रुप में उपद्रव के दौरान गुमान सिंह सबसे ज्यादा एक्टिव था। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाया, जहां कई दिनों तक उसकी निगरानी की गई, जिसके बाद पुख्ता सबूत मिल गए, तब जाके उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। जानकारी ये मिली है कि इसका एक भाई है जो कि फौज की तैयारी कर रहा था और उसने ये बताया कि काफी हद तक उसका क्लियर हो गया था, कुछ चीजें उसकी बची थी, जिसकी वजह से ये जो नई योजना आई तो इसको लगा कि पुरानी योजना वाला लाभ इसको इससे दूर ज्यादा है।